खबर कुशीनगर से है, जहां खाना खाकर खेत घूमने निकले मामा भांजे और उसके दोस्त की करंट लगने से मौत हो गई। गांव में एक साथ तीन लोगों की मौत से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। घटना की सूचना पाकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर अपने हमराहियों के साथ सपा गाँव के महतो टोला पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दरअसल सपा गांव के महतो टोला निवासी लहरी कुशवाहा ने नीलगाय और अन्य जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों तरफ बाड़ बनाया था। इस बाड़ को लहरी कुशवाहा ने बिजली की सप्लाई से जोड़ रखा था ताकि कोई जानवर खेत में खड़ी फसल को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन लहरी कुशवाहा की इस चालाकी का शिकार वे तीन निर्दोष हो गए जिन्हें लहरी के इस कृत्य की जानकारी नहीं थी। हुआ है, कैसे हादसा हुआ? वो घर के पीछे कोई बाड़ा वो लगा दिया था, बिजली वाला बाड़ा, नंगा तार था वो पूरा, इसी वजह से वो पता नहीं कैसे उधर चला गया, पूरा वो बिजली लग गया है, बिजली की वजह से पूरा शरीर काला पड़ गया है तीनों लोगों का। कब गए थे वो घर से? कल शाम को करीब में 9 बजे के करीब में। घर से कुछ बता के? नहीं, इसके पहले जब भी जाता था, जहाँ भी जाता, जिसके साथ भी जाता, बता के जाता, मैं फला के साथ फला जगह जा रहा हूँ, इतने टाइम में वापस आ जाऊँगा, लेकिन रात को निकला तो बिल्कुल भी ऐसा कोई खबर नहीं दिया कि कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, सब कुछ नहीं। कोई जानकारी हुई कि घर के बगल में डेड बॉडी पड़ी मिली हुई है? हम लोगों ने कल रात से ही ढूंढना स्टार्ट किया था और जैसे ही सुबह हुआ वो चौकी पे और थाने पे हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उसके थ्रू मोबाइल ट्रैकिंग के थ्रू प्रशासन के थ्रू हमें जानकारी मिली। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन मिला है? अभी तक आश्वासन मिला है, कह तो रहे हैं लोग कि कार्रवाई किया जाएगा।